तो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे फॉर्मूलाज इन वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे जेई के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है अपने पास क्वेश्चन आते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन पीरियोडिक मोशन से। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बेसिकली पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि अगर एक कोई भी बॉडी है या पार्टिकल है जो कि अपना मोशन एक पर्टिकुलर पाथ पे रिपीट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं अपने पास एक घड़ी वॉच, ठीक है, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं। तो क्या है, अपनी जो सुई है घड़ी की, वो यहाँ से चालू होके वापिस 12 से चालू होके 12 पे आती है क्या? हाँ। फिर से वापिस चालू होके फिर से 12 पे जाती है क्या? हाँ। तो क्या अपना पाथ रिपीट कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। तो इसी पाथ रिपीटेशन को अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सेम ऐसे ही कंडीशन जो है अपने सन और अर्थ वाले सिस्टम में भी होता है। जब अपना जो कोई सन है, सन के अराउंड जब अर्थ जो है धरती में चक्कर मारती है, तो होता क्या है, वो भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है। अब पीरियोडिक मोशन के अंदर ही एक मोशन आता है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। ठीक है, तो क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो, ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन कर, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन की मतलब, अगर मान लेते हैं कि अपने पास एक पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब क्या, एक स्प्रिंग से एक बॉल बंधी हुई है ऐसे, अपन एक हाइट पे उसको लेके गए, उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, इधर से उधर जाएगा, हाँ, फिर उधर से वापिस इधर आएगा। तो वो क्या एक मीन पोजीशन के अराउंड इधर उधर हो रहा है क्या? हाँ, ये मीन पोजीशन है क्या? हाँ, ये जो है अपना मीन पोजीशन, ठीक है। तो इस मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो कर रहा है क्या? हाँ। तो इसी टू एंड फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन को ही अपन क्या बोलते हैं प्यार से? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि अपना जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये मेरा मेन पॉइंट है, ठीक है, और जो है मेरा पार्टिकल जो है ए से चलना चालू किया, ठीक है, तो ए से चलेगा मेन पॉइंट पे जाएगा, बी पे आएगा, बी से वापस मेन पॉइंट पे आएगा, ए पे वापस चला जाएगा, फिर ए से वापस बी की तरफ, फिर बी से ए। तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहीं अभी जो मैंने तुमको ये एग्जांपल दिखाया पेंडुलम का कि अपना जो पार्टिकल है किसी एंगल थीटा पे ऐसे रोटेट किया जा रहा है, तो इन सब केसेस पे जो है अपना एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जहाँ पे अपना पार्टिकल जो है किसी एंगल पे डिस्प्लेस होता है, उसका टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट अपन इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अब एनालाइज करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई अपना पार्टिकल है जो कि ए से मूव करना चालू करे, तो ए से अगर वो मूव करेगा उसकी कोई वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? वी नॉट हुई, ठीक है। इस इनिशियल वेलोसिटी के बाद जब वो बी पे पहुंचेगा, तो बी पे पहुंचते ही उसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो वो कहाँ मूव करेगा? अब क्योंकि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऐसा रहता है कि हमेशा जो है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है हमेशा किसी पार्टिकल पे मीन पोजीशन की तरफ ही लगती रहती है, तो एक्सेलरेशन तो मीन पोजीशन की तरफ ही लग रहा है। हाँ, तो क्या होगा, वो मीन पोजीशन की तरफ वापस से चल जाएगा और वो यहाँ पहुंच जाएगा। आफ्टर दैट अब यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, यहाँ पे कोई वेलोसिटी वी होगा उसके पास। अब वेलोसिटी क्योंकि वी है तो फिर वो आगे निकल जाएगा, आगे निकलेगा तो वेलोसिटी वी नॉट वी जो है जीरो हो जाएगा, वहां तक फिर से पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे वी जीरो हुआ, फिर से एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगने लग गया मेन पोजीशन की तरफ, तो मेन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन लगा, तो वापिस उसका मोशन यहाँ पे हो गया मेन पोजीशन पर। इस पूरे जो प्रोसीजर इस पे एक टाइम पीरियड, क्या लगता है? टाइम पीरियड, ठीक है। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं टी, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड वाला फैक्टर है ये आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइम पीरियड वाले फैक्टर से आते हैं, मतलब ए से बी जाने में, बी से सी, सी से डी, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम पीरियड लगा वो कितना है, वो है टी, ठीक है क्या? अब ये जो है जनरल इसके बेसिक्स है, जैसे कि मेन पोजीशन जो है इस बीच वाली पोजीशन को बोलते हैं, इसको जो है इस कोने वाली पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसको भी एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और क्या हो गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की
मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है एक यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है, उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टाइम के साथ रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, और टाइम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ ऐसा सा संबंध होता है 2π/ω। क्या ये दोनों हमारे काम के फॉर्मूलाज? हाँ, बहुत ज्यादा काम के फॉर्मूला। चलो कमाते हैं। ठीक है, क्या अब अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एक्स के टर्म्स में इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है क्या? हाँ, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये जो एक्स, ये अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपने पास इसका एक इक्वेशन आ जाता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है क्या? ठीक, तो ये अपना इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब क्योंकि अपने पास एक्स के टर्म्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, अगर अपन इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या ये अपने को वेलोसिटी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ जाती है जो कि कुछ इस टाइप से दिखती है। ठीक है, और इसके बाद जो है अपन एक डेरिवेशन करते हैं, उस डेरिवेशन के बाद अपने को एक और वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। v is equals to velocity v is equals to omega time under root x square sorry a square minus x square। ठीक है क्या? ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन पे इस वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन जनरल फॉर्मूला। ठीक है क्या? हाँ, तो ये ठीक। तो ये वी मैक्स, अगर जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि मेन पोजिशन पे अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू ए आ जाता है। तो वहीं पे अपने पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है x इज इक्वल टू होता है, तो v मिनिमम क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है क्या? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अपने पास आता है ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है कि अपने पास क्योंकि वेलोसिटी का एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये जो है एलिप्स का एक इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एलिप्स का इक्वेशन है, इस एलिप्स के इक्वेशन को अगर जब हम प्लॉट कर देते हैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, तो वो इस तरीके का कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है क्या? अब एक्सेलरेशन की बात करें तो अपने पास जो है डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही हुआ है, उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास? एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या? dv/dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन को अपन एक्स के टर्म्स में लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? आफ्टर दैट अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन देखेंगे एज अ सिंपल हार्मोनिक। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है, ध्यान से समझना है, ये सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, मतलब गोल चक्कर मारता है। यहाँ मेरी आंख है, यानी कि यहाँ से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा मिरर, ठीक है, ये मिरर। तो अब होगा क्या कि ये पार्टिकल क्योंकि मूव कर रहा है तो मेरे को तो मिरर में वनडी ही दिखेगा। अब मूव कर रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ आया, ठीक है, कितना डिग्री चल के? ओमेगा इंटू टी डिग्री चल के, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है, तो ओमेगा टी चल के मान लेते हैं यहाँ तक आया थीटा इन। तो अब पार्टिकल क्या है, पहले पार्टिकल यहाँ, फिर पार्टिकल यहाँ आया, अब फिर से मूव करता है, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, फिर पार्टिकल कहाँ आया, इसमें कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। अब आगे पार्टिकल मूव करेगा तो वापस जाता हुआ दिखाई देगा क्या इस मिरर में? हाँ। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह लग रहा है? बिल्कुल, जब अपन मिरर पे देख रहे हैं तो वो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो है इसको अपन सिंपल हार्मोनिक बोलते हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंडीशन। क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ऐसा पॉसिबल है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसका वो सेम इक्वेशन होगा जैसे एक्स इज इक्वल टू अपने पास जो इक्वेशन था ना, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो इस कंडीशन पे भी सेटिस्फाई करे। ठीक है क्या? आफ्टर दैट अपन आते हैं एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो एनर्जीज होते हैं, वैसे तो बेसिकली दो ही एनर्जीज होते हैं, और इनको मिलाते हैं तो टोटल एनर्जी मिलता है, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा हमको किसके कारण मिलती है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी के कारण। किसके कारण? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी,
तो काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन किया और काइनेटिक एनर्जी की अपन ने एक इक्वेशन निकाली, वो इक्वेशन जो है इसके टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन मास के टर्म्स में, एंगुलर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। वैसे ही इसको अपन मान लेते हैं अपने पास एक स्प्रिंग और मास का सिस्टम, जैसे कि मान लेते हैं ये है एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कॉन्स्टेंट ये है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सॉरी ये है इसका मास है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ये है इसका हल्का सा इधर ये, तो ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी से जो है इधर उधर ऑसिलेट करने लग गया और तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग गया, तो अपने पास एक रिलेशन आता है यहाँ से के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है क्या। हाँ, तो इस एम ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मूले में यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर दिया, ठीक है, इस एम ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं के रखूंगा तो क्या मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और जब मेन पोजीशन रहता है तो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मेरे को मिल चुका है हाफ के। वैसे ही अपने पास पोटेंशियल एनर्जी भी काम आती है। अब पोटेंशियल एनर्जी कब लगती है? पोटेंशियल एनर्जी जब भी अपना ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन हाइट पर पहुंचता है तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी लगना चालू हो जाता है। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो है अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है डेरिवेशन के बाद, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब जो है एक्स की अपन वैल्यू डालते हैं तो यू का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल, इनसे भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इनके जो है ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, जैसे कि ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ये जो मैं आउटलाइन करता हूँ ऐसे करके, ये जो है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना मोशन जो है माइनस एम्पलीट्यूड से चालू किया, तो माइनस ए से चालू करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता बढ़ता मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। आफ्टर दैट वेलोसिटी गिरने लगेगी अगले एम्पलीट्यूड पे जाने के लिए, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ गिरता है, ठीक है क्या, बिल्कुल। अब मान लेते हैं मैं पोटेंशियल एनर्जी का बनाता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम से चालू करते हैं क्योंकि वो हाइट पर रहता है, एम्पलीट्यूड पे लेके जाते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे अपन मेन पोजीशन पे जाते हैं तो क्या होता है, वो वापिस नॉर्मल हाइट पे आने लग जाता है या फिर नॉर्मल पोजीशन पे आने लग जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो पे आ जाता है। आफ्टर दैट वो दूसरे वाले एम्पलीट्यूड पे जब जाना चालू करता है तो क्या होता है, फिर से मेरा जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। अब दोनों ही कंडीशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मिला दूँ तो मेरा जो टोटल एनर्जी का ग्राफ है वो कॉन्स्टेंट ही चलता रहता है, क्योंकि दिख रहा है ना, तो ये जो है कॉन्स्टेंट ही चलता रहता है क्योंकि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ठीक है क्या, बिल्कुल। अब आफ्टर दैट अपन आते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं स्प्रिंग है, पे जो है एक मास एम लगा हुआ है। अब मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ एक्स इधर, तो क्या होगा, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो ये क्या होगा, पहले आगे जाएगा फिर स्प्रिंग इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो पीछे आ जाएगा, इसके कारण से ये इधर उधर ऐसे करके सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण से उसका एक टाइम पीरियड भी होगा टी, तो वो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है इस कंडीशन में, तो अपन एक चीज पढ़े थे के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है क्या, तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट के बाय एम। तो इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ डाल दे तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो आ जाता है 2π/√m/k, ठीक है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया मेरा स्प्रिंग मास। क्या ये चीज एंगल पे वेरी करेगी? नहीं, ये किसी भी एंगल पे वेरी नहीं करेगी। वैसे ही इसको देखो एंगल पे रखा अगर थीटा एंगल पे तो भी अपने पास वही मिलेगा जो पहले मिलता, ठीक है क्या। आफ्टर दैट अपने पास आता है टू बॉडी प्रॉब्लम इन स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम मान लेते हैं अगर इसमें दो बॉडीज है, एक पहला बॉडी तो ये है एम वन मास का, दूसरा बॉडी है एम टू मास का, दोनों का मास भी अलग अलग है और दोनों सिर्फ एक ही स्प्रिंग से जुड़े हुए जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा कि अपने पास जो है फॉर्मूला तो वही रहेगा टी इज इक्वल टू 2π/√mass। अब मास की बात आई तो मास इसका एम वन है इसका एम टू है, तो क्या करेंगे इसमें अपन रेड्यूस्ड मास लेंगे अपॉन के। तो रेड्यूस्ड मास क्या होता है, म्यू, म्यू जो होता है वो होता है एम वन इन टू अपॉन प्लस, जैसे कि अपन वो दिखता है, तो अपन रेड्यूस्ड मास लेंगे जब टू बॉडी का सिस्टम अपने पास टाइम पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर अपने पास एक स्प्रिंग ना देके दो स्प्रिंग जुड़े हुए हैं किसी एक मास से,
तब क्या होता है कि जब दो स्प्रिंग जुड़े हुए रहते हैं तो ये फॉर्मूला तो यही रहता है, मास की जगह एम ही लिखते हैं, लेकिन के की जगह के इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। और के इक्विवेलेंट जो है सीरीज के लिए क्या होती है, अगर जो है अपना सीरीज में जुड़ा हुआ है, जैसे कि इस कंडीशन में जुड़ा हुआ है, ये हमारे दोनों स्प्रिंग्स है सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है के इक्विवेलेंट 1 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। वैसे ही जब ये जो कंडीशन है ये पैरेलल की कंडीशन है, जब दो स्प्रिंग पैरेलल में जुड़े होंगे K1 और K2, तब मेरा K इक्विवेलेंट क्या आएगा पैरेलल के लिए, कहाँ लिखूँ, K = K1 + K2 आएगा डायरेक्ट सम। ठीक है, ये पैरेलल। ठीक है, इसमें मास चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक ही मास दिया, दो मास देता। तो अब पैरेलल का एक और सेटअप होता है, कैसे दिखाऊं? मान लेते हैं ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटी स्प्रिंग लगी है, ये M है और यहाँ पे फिर से स्प्रिंग लगा हुआ है, ये K1 है, ये K2। तो ये भी जो है दोनों स्प्रिंग सीरीज में नहीं जुड़े, पैरेलल में जुड़े, ये भी इसको भी क्या बोलते हैं, पैरेलल का ही सेटअप बोलते हैं। तो क्या इस पे भी यही चीज लगेगी क्या हमारी, K = K1 + K2? हाँ, यही चीज लगेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, करेंगे टाइम पीरियड फॉर पुली स्प्रिंग मास सिस्टम। अब होता क्या है कि अगर जो है इस स्प्रिंग मास सिस्टम को अपन पुली के साथ अटैच कर देते हैं तो अपने पास कंडीशंस जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि अपने पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर है वो कि K/(m)/i/r² आ जाता है। अब बेसिकली ये आई क्या है, यहाँ पे आई जो है मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पूरी सिस्टम का नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ इस जो है पेंडुलम का आता है जो कि अपना घूम रहा हो, बाकी जो पूरा सिस्टम है उसके लिए अपने पास मास एम है जो कि अपन हैंग हम किए हुए हैं यहाँ पे, और जो है ये जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिस स्प्रिंग को अपन ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब ओमेगा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, तो अपन जो है T = 2π/ω का वैल्यू लगाकर सीधा सीधा टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमेशा याद रखेंगे ये जो I/r² वाला ये जो कंडीशन है जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन लेते हैं, ये कंडीशन तभी लगती है जब अपन जो है स्प्रिंग के साथ कोई सिस्टम लिए रहते हैं पुली। ठीक है, अगर नॉर्मल सिस्टम लेंगे अपन तो ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट अपन आते हैं सिंपल पेंडुलम पे। तो सिंपल पेंडुलम होती क्या है, सिंपल पेंडुलम अभी तक जब शुरू से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सिंपल पेंडुलम पे ही देते जा रहा हूँ कि जैसे ही अपने पास कोई बॉडी है ऐसे अंग है, ठीक है, और अपन उसको छोड़ देते हैं और वो इधर उधर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाता है एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड तक मीन पोजीशन के अराउंड, तो इसको जो है अपन सिंपल पेंडुलम की कंडीशन बोलते हैं। और अगर मान लेते हैं इस स्प्रिंग का लेंथ है एल और जो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है अर्थ के कारण वो लग रही है जी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ जाएगा, 2π/√L/g। अब यहाँ पे कंडीशंस लगने चालू है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि अगर जो ये मेरा लेंथ है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ये अर्थ के रेडियस के आसपास भी, जैसे कि अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का रेडियस बेसिकली जो है मेरे पास गिवन होता है लगभग 6400 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, और अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग का लेंथ जो है ये 6000 किलोमीटर के अराउंड है, तो क्या होगा, मेरे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा आफ्टर डेरिवेशन जो कि कुछ इस टाइप से दिखेगा, T = 2π√RL/L+R × जी। ठीक है क्या, ठीक है। अब ये तभी लगाना है जब जो लेंथ है वो कंपेरेबल हो रेडियस से। अगर मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ इस लेंथ के इक्वल हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, जो कि दोनों 6400 हो गए, ठीक है, तब क्या आएगा, तब डायरेक्टली टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आ जाएगा T = 2π√R/2g। और इसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 60 मिनट के आसपास। तो अगर एक क्वेश्चन कोई आता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच हैज अ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहां पे सीधा 60 मिनट वाला ऑप्शन क्लिक करके आ जाए। ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर अपना जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है रेडियस ऑफ अर्थ से भी, तब क्या होगा, तब अपन टाइम पीरियड लेंगे T = 2π√R/g। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों की वैल्यू अपने को जब पता है तो अपन ने टाइम पीरियड निकाला तो ये आया 84.6। ठीक है क्या, ठीक है। अब आता है बॉब वाला कंडीशन। बॉब वाला कंडीशन मतलब कि अगर मान लेते हैं अपने पास एक बीकर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि एक बर्तन लिया अपन ऐसे करके, इस पे पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है,
पानी भरा हुआ है। अब इसका जो इस वाटर का डेंसिटी या फिर इस जो लिक्विड है इसका डेंसिटी मान लेते हैं अपने पास है रो नॉट, ठीक है रो नॉट। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल पेंडुलम रख दिया। अब ये सिंपल पेंडुलम जो है इस वाटर के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो क्या होगा, और इस बॉब की जो ये या फिर ये जो बॉब बोलते हैं इसको, पेंडुलम के जो इसमें रहता है ना इसको बॉब बोलते हैं, इसकी जो डेंसिटी है मान लेते हैं वो है रो, ठीक है। तो अपने पास जो है इसके टाइम पीरियड के लिए, ये लिक्विड के अंदर है तो इसके टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, टी डैश इज इक्वल टू 2π√ रो एल बाय रो माइनस रो नॉट इंटू जी। अब रो क्या है, यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ सिंपल पेंडुलम, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम का डेंसिटी है ये यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि, और रो नॉट क्या है ये लिक्विड के, ठीक है क्या। आफ्टर दैट आगे बढ़े तो अपने पास जो है अगर सिंपल पेंडुलम किसी व्हीकल से, जैसे मान लेते हैं वो दिखाता हूँ, अगर कोई ये स्लाइडिंग रोड है ठीक है थीटा एंगल पे यहाँ पे ऐसे करके इस पे कोई व्हीकल मूव करता है ठीक, और इस व्हीकल के अंदर जो है अपना एक पेंडुलम ठीक सिंपल पेंडुलम ऐसे करके, क्योंकि व्हीकल इधर जाएगा तो पेंडुलम को रूल के हिसाब से इस तरफ जाना चाहिए पीछे की तरफ क्योंकि गाड़ी आगे मूव कर रही है। हाँ तो उस कंडीशन में ये जो सिंपल, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तब उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2π√L/g cos, ठीक है क्या। हाँ ठीक है। आफ्टर दैट अगर मान लेते हैं अपने पास जो है कोई सिंपल पेंडुलम है उसका बॉब है ठीक है, उसका बॉब है, उसका चार्ज क्या है, चार्ज है क्यू, और अपने पास ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चालू करेगा। हाँ तो तब उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड है वो अपने पास आएगा 2π√L/g-qE/m। एल क्या है इस जो सिंपल पेंडुलम है उसका लेंथ, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यू क्या है जो चार्ज है उसके बॉब का, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, एम क्या है इसका मास, क्या है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक फॉर्मूला आ जाता है इन सब कंडीशन। अब मेंस में तो इसके क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादातर, लेकिन एडवांस में जो है इस फॉर्मूले के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट अब अपन आते हैं सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। इससे पहले अपन पिछली स्लाइड में ये जो कंडीशन देखे ना अपन, ये वाला जो कंडीशन है ये वाला, ये इसी चीज का एक्सेलरेटिंग फ्रेम का ही कंडीशन है, मैंने पहले डाल दिया ठीक है। अब जो है इसके लिए बेसिकली कोई नया फॉर्मूला नहीं बनता, अपन क्या करते हैं टी इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिवली। जी इफेक्टिव क्या आता है, अगर मान लेते हैं मैं लिफ्ट वाला कंडीशन लगाता हूँ, अगर मान लेते हैं मैं लिफ्ट पे खड़ा हूँ ठीक है, ये लिफ्ट है ठीक है, और लिफ्ट में मैंने जो है एक सिंपल पेंडुलम रखा ठीक है। अब क्या कर रही है मेरी लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए ठीक है, और जी तो है नीचे ही लगता है हमेशा ठीक है, तो मेरा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या होगा। अब क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है लिफ्ट का, तो लिफ्ट के अंदर की जितनी भी चीजें हैं उस पर एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, नीचे, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। ये कौन सा कंडीशन है, अपवर्ड वाला कंडीशन ठीक है, अपवर्ड, जब लिफ्ट अपवर्ड जा, वैसे ही लिफ्ट कभी ना कभी नीचे भी जाएगी, तो अगर लिफ्ट नीचे जाएगी और मेरा पेंडुलम अंदर है ठीक है, एक्सेलरेशन ए है और जी तो नीचे ही लगता है, तो लिफ्ट के अंदर जितनी भी चीजें उसका एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो मेरा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस, ये कब है जब डाउनवर्ड ठीक है, तो ये लिफ्ट का कंडीशन है। इस जी प्लस ए या जी माइनस ए को अगर अपन इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड पे पुट कर देंगे तो अपने को टाइम पीरियड ठीक है क्या, ठीक है। आफ्टर दैट अगर जो है ऊपर नीचे तो हो गया, अगर मान लेते हैं मैं किसी गाड़ी में रख दिया जो कि एक्सेलरेशन ए से जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा अपने पेंडुलम, पेंडुलम या बॉब बोल लो ऐसे करके, ऐसे जो गाड़ी के अंदर है ये, तो इस पे एक एक्सेलरेशन तो इस तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर रही है तो बॉब पे पीछे एक्सेलरेशन लगेगा, और एक जी जो है वो नीचे ही लगेगा, तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टू द पावर 1/2 या फिर √A²+G² बोल सकते हैं क्या, हाँ ये लगेगा। इसको जो है अपन इस जी इफेक्टिव की जगह डाल देंगे यहाँ पे, इस
जी इफेक्टिव की वैल्यू है इस कंडीशन जी इफेक्टिव, ठीक है। इस जी इफेक्टिव की वैल्यू अपन इस कंडीशन में टाइम पीरियड की जगह डाल देंगे तो अपने पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/4 निकल कर आ, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक। अब जो है आगे बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड के ऊपर। अब अगर मान लेते हैं अपने पास कोई कंपाउंड पेंडुलम। अब कंपाउंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है? कंपाउंड पेंडुलम का मतलब होता है कि रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब मान लेते हैं अपने पास एक रॉड है, ठीक है। अब वो क्या होता है, रॉड के एक कोने से जो है मैं उसको रोटेट कराना चालू, ठीक है, तो इसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। जब भी कोई रिजिड बॉडी होगी वो कंपाउंड पेंडुलम वाले केस में आता है। तो अगर ये रॉड क्या है, उसको एक एक तरफ से मैंने पकड़ लिया है और जो है अपन एक इसको जो है इधर उधर घुमा रहे हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगे, ठीक है। इसकी लेंथ जो है एल है मान लेते हैं, मास जो है इसका एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस कंडीशन में होता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री होता है, ठीक है, नहीं एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है सॉलिड कोने के लिए। तो अपने पास जो टाइम पीरियड आएगा इन सब कंडीशन के लिए वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी। अब क्योंकि रॉड के कंडीशन में अपने को सब कुछ पता है तो अगर अपन इस सबको इसमें पुट कर देंगे तो अपने को टाइम पीरियड मिल जाएगा इस रॉड के कंडीशन में। अगर कोई और बॉडी, क्या रॉड के अलावा कोई और बॉडी ली जा सकती थी? हाँ, सारी जितनी रिजिड बॉडीज हैं उन सबको अपन लेके ये कंडीशन लगा सकते थे कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है क्या? आफ्टर दैट अपन आते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। अगर मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी, लेकिन उस रिजिड बॉडी को उसके अंदर के एक्सिस से नहीं घुमा रहे अपन, उसमें एक स्ट्रिंग बांध दिए हैं और उसको एक प्लेन के अराउंड घुमा रहे हैं थीटा एंगल पे। जैसे कि ये डिस्क है अपने पास रिजिड बॉडी, तो इसको जो है मैं ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल पे, तब क्या होगा कि इसके अंदर एक टॉर्शनल कांस्टेंट नाम से एक चीज सेव हो जाएगी जो कि इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी, जो कि टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी थीटा से अपने को दिख सकता है। ये नेगेटिव होता ही इसलिए कि क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा होता है मोशन को, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास जो है ये सी जो है यहाँ से एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। सी क्या है? टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? इज दिस मोमेंट ऑफ, ठीक है क्या? ठीक। तो इसी के साथ जो है अपन इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलेंगे अपन अपने अगले वीडियो में। अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके जो है क्वेश्चन की भी वीडियो डालनी चालू कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।